हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस इज CA MK कौर एंड आई एम प्रेजेंटिंग बिफोर यू द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ योर सिक्स सेमिस्टर एडवांस्ड अकाउंटेंसी ऑन लिमिट एंड कंटिन्यूटी। सो दिस इज द फोर्थ सेशन एंड वी आर doing or we will be doing all these problems. So let us start with the problem 9. Limit x tends to 0 log 1 plus ax divided by e to the power 2x minus 1. जहां log 1 प्लस ax आता है तब आपको फॉर्मूला याद करना है कि कौन सा फॉर्मूला इधर एप्लीकेबल होगा। फ्रेंड्स, इधर दो फॉर्मूला एप्लीकेबल है, दैट इज योर लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 बाई x इक्वल टू 1। ये दोनों फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल रहेगा। ये आपको जो 7 फॉर्मूला हम दिए थे उससे ये दोनों फॉर्मूला, ये log 1 प्लस ax, so little bit there is a similarity here, we have to rearrange this to make it like a formula. Similarly e to the power at 2x minus 1 ये formula applicable रहेगा। so friends, जहां formula applicable रहेगा तो आपको formula का हिसाब से उसको design कर लेना है, आपको formula का हिसाब से उसको makeover करना है so that the formula can be applicable here. So let us do this. X tends to 0 log 1 plus ax divided by ax divided by e to the power 2x minus 1 divided by, मैं इधर ए एक्स मल्टीप्लाई कर दिए, इधर 2x लिखें, इधर भी 2x मल्टीप्लाई कर दिए। फ्रेंड्स, ये क्यों किए? आप ये फॉर्मूला को देखिए, log 1 प्लस x, इधर x नीचे भी x, इधर x नीचे भी x, इधर ए एक्स नीचे भी ए एक्स, तब ये एरिया आपको 1 हो जाएगा। कितना रहेगा? ये 1 हो जाएगा। सिमिलरली e टू द पावर x, ऊपर में x और नीचे भी x, इधर देखिए ये 2x, इधर भी 2x, इसलिए ये एरिया भी आपका 1 हो जाएगा। तो मैं नीचे अगर मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, ax मल्टीप्लाई कर दिए ax, तब वैल्यू चेंज नहीं होता है। इधर भी 2x, 2x वैल्यू डज नॉट चेंज। सो वैल्यू चेंज नहीं, विदाउट द चेंज ऑफ वैल्यू वी कैन रीअरेंज द फंक्शन। सो दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज आल्सो इक्वल टू 1। नाउ फ्रेंड्स, अगर मैं इस तरफ लिखेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये 1 होगा, ये x, ये x, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, x x कैंसिल। सो दिस विल बी a डिवाइडेड बाय 2, दिस इज आंसर, दिस इज 1, दिस इज 1, तब रहेगा कितना? ax बाय 2x। दिस विल बी योर लिमिट x टेंड्स टू 0 ax बाय 2x। Now x x cancel, this is equal to a by 2, a divided by 2,
जहां फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा आपको फॉर्मूला का हिसाब से ये प्रॉब्लम को, ये फंक्शन को आपको डिजाइन करना है। ये ए एक्स था इसलिए मैं नीचे ए एक्स मल्टीप्लाई किए, ऊपर में भी ए एक्स मल्टीप्लाई किए। ये 2x था, नीचे 2x ले लिए, ऊपर में भी 2x मल्टीप्लाई कर दिए। दिस इज 1, दिस इज 1, ए एक्स बाई 2x, x x कैंसल, a बाई 2। नाउ कम टू प्रॉब्लम नंबर 10, लिमिट x टेंड्स टू जीरो फाइव टू दी पावर x माइनस फोर टू दी पावर x डिवाइडेड बाय x। लिमिट x टेंड्स टू जीरो ये दूसरा फॉर्मूला है। आई एम अगेन राइटिंग द फॉर्मूला। वो जो सात फॉर्मूला था उसमें मैं बोले थे कि चार फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसी फॉर्मूला से ही सारा प्रॉब्लम होता है। चार फॉर्मूला से x टेंड्स टू जीरो, a टू द पावर x माइनस वन बाई x, दिस इज लॉग a बेस e, हायर a इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, बट a टू द पावर x माइनस वन बाई x इक्वल टू लॉग a बेस e। सो इधर देखिए a इज 5, इधर a इज 4, बट 1 तो नहीं है, तब क्या करना है, इधर माइनस 1 कर दीजिए और इधर प्लस 1 कर दीजिए, इसको नीचे x रख दीजिए। ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, 5 टू द पावर x माइनस 4 टू द पावर x। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, 5 टू द पावर x माइनस 1, माइनस करके 4x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x। लिमिट x टेंड्स टू 0, 5 टू द पावर x माइनस 1 बाय x, माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0, 4 टू द पावर x माइनस x। ये दोनों को मैं अलग कर दिए, दिस डिवाइडेड बाय x, दिस डिवाइडेड बाय x। जिस तरफ होता है ना a माइनस b बाय x, आप a by x और माइनस b by x भी आप लिख सकते हैं, तो उसी तरह इधर this divided by x, this divided by x। Now ये आपका पूरा फॉर्मूला पर आ जाता है, तो log a, ये log 5 base e, ये log 4 base e। So इसको मैं लिख सकते हैं log 5 बेस e माइनस log 4 बेस e। दूसरा एक फॉर्मूला log में होता है, log a माइनस log b इक्वल टू log a डिवाइडेड बाय b। इस तरह एक फॉर्मूला है, log a माइनस log b इक्वल टू log a बाय b। इसको मैं लिख सकते हैं आपका log 5 by 4 बेस e, आंसर log 5 by 4 बेस e आंसर। सो दिस इज योर प्रॉब्लम नंबर 10। इलेवन, लिमिट x टेंड्स टू 1, log x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इक्वल टू 1, शो करने के लिए बोला है, प्रूफ करने के लिए, शो दैट दिस इज इक्वल टू 1, शो दैट दिस इज इक्वल टू 1, ये भी पूछ सकता है या आपको दे देगा फाइंड द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, आंसर रहेगा 1। सो लिमिट x टेंड्स टू 1, log x डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ये तो मैं लिखे हैं, आपको x में बोले थे x टेंड्स टू 1, 1 मींस 1 पॉजिटिव। सो
राइट हैंड लिमिट में एक्स इक्वल टू वन प्लस एच, एच टेंस टू जीरो, इसका बारे में भी हम लोग डिस्कशन किए थे फर्स्ट क्लास में। एक्स टेंस टू वन पॉजिटिव, एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एच, एच टेंस टू जीरो, एच इज वेरी स्मॉल, सो आप एक्स का प्लेस में वन प्लस एच लिख दीजिए, एच टेंस टू जीरो लॉग वन प्लस एच डिवाइडेड बाई वन प्लस एच माइनस वन, एक्स का प्लेस में वन बाई एच लिख दिए, एक्स का प्लेस में वन बाई एच, दिस वन वन कैंसल, लिमिट एच टेंस टू जीरो, सो लॉग वन प्लस एच डिवाइडेड बाई एच। फ्रेंड्स ये डायरेक्ट फॉर्मूला पर आते हैं, जो फॉर्मूला में थोड़ा टाइम का आगे लिखे थे, लॉग वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स टेंस टू जीरो इक्वल टू वन, यही फॉर्मूला है, लॉग वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स टेंस टू जीरो इज इक्वल टू वन, सो दिस इज वन, वन इज योर आंसर, यही भी था, आप प्रूफ भी लिख सकते हैं, आंसर भी लिख सकते हैं। So, this is your problem number 11. Now, come to problem number 12. This is your problem number 12. Limit x tends to 2 ax square minus b x माइनस टू इक्वल टू फोर बोला है, और फाइंड ए एंड बी। ए एक्स स्क्वायर माइनस बी, उसको आप एक्स माइनस टू से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने का बाद ये देखिए ए एक्स लीजिए, ए एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स, ये माइनस ये आपका प्लस कैंसल, सो दिस इज टू ए एक्स माइनस बी, फिर इधर क्या लिखेंगे ना प्लस टू ए, प्लस टू ए लिखने से टू ए एक्स माइनस फोर ए, माइनस फोर ए, ये माइनस ये आपका प्लस, तो फोर ए माइनस बी, फोर ए माइनस बी, ये रिमाइंडर आता है, और ए एक्स प्लस टू ए ये इधर आता है, सो इधर देखिए कंप्लीटली डिविजिबल, कोई रिमाइंडर नहीं है, इसलिए आपका कोई रिमाइंडर तो नहीं है इधर, तो इसलिए फोर ए माइनस बी आपका जीरो हो जाएगा, सो फोर ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी बाई फोर, ए इज इक्वल टू बी बाई फोर, राइट, सो ए इज इक्वल टू बी बाई फोर भी हम लोग लिख सकते हैं, बा बी इज इक्वल टू फोर ए उसको भी हम लोग लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू फोर ए, दिस विल बी हेल्पफुल रिलेशन, क्योंकि कोई रिमाइंडर नहीं है इसलिए दिस रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो, सो फोर ए इज इक्वल टू बी, नाउ वी हैव फोर ए इज इक्वल टू बी, सो लिमिट एक्स टेंस टू टू ए एक्स स्क्वायर माइनस फोर ए, बी का बदल में फोर ए लिख दिए, एक्स माइनस टू, लिमिट एक्स टेंस टू टू आपका ये कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टू का स्क्वायर,
स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू, सो दिस इज एक्स प्लस टू, आप टू लिख दीजिए डायरेक्टली, फॉर्मूला लिख दीजिए ए इधर टू फोर ए, सो दिस इज इक्वल टू फोर ए, बट फोर ए का आंसर दिया है फोर ए, जो हम लोग को आंसर दिया है फोर ए, सो वी हैव बीन गिवन, ये आपका ए एक्स टू लिख दीजिए, टू टू फोर आंसर इज योर फोर ए। नाउ फिर मैं इधर लिखते हैं फोर ए इज इक्वल टू ये जो आपको दिया है फोर, सो ए इज इक्वल टू वन, ए इज इक्वल टू वन, और हमको निकला था बी इज इक्वल टू फोर ए निकला था, सो बी इज इक्वल टू फोर इंटू वन दैट इज इक्वल टू फोर, सो ए इक्वल टू वन एंड बी इज इक्वल टू फोर, ए इक्वल टू बी इक्वल टू फोर ए निकला था जो हम लिखे थे उसमें, देखिए बी इक्वल टू फोर ए इज देयर, इसलिए आप ए का वैल्यू इधर लिख दीजिए बी इक्वल टू फोर ए इक्वल टू वन। Now, इसी क्लास में हम लोग 9 to 12 सॉल्व किए हैं, फिर आप नेक्स्ट क्लास में और कुछ प्रॉब्लम करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा।